हिंदी सिनेमा काफी प्रोग्रेसिव रहा है, औरतों को उसने बराबर का दर्जा दिया है। गली के लौंडे हैं सबके सब, गली के फ्रेंड्स हैं। चार साल की मेहनत जो ढाई घंटे में तैयार होके आएगी, दो घंटे ढाई घंटे जितनी भी उसकी लेंथ हो, वो ढाई मिनट के ट्रेलर में प्रस्तुत होते हैं। इतने लोग एक्साइटेड हैं और इस फिल्म के लिए, उतने हम लोग भी हैं और अली भी है। अपने सपनों के पीछे भागना और उनको पूरा करने की कोशिश करना मेरे ख्याल से एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नव भारत की इस खास बातचीत में। फुकरे की टीम एक बार फिर अपनी नई फुकरापंथी के साथ हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी को स्वागत करना चाहूँगा नव भारत। यू नो फैंस ईगरली वेट कर रहे थे, यू नो, कि काफ़ी समय बाद कब फुकरे आएगी, कब फुकरे। आखिरकार वो समय आ गए कि अब सिनेमाघरों में आप लोग दस्तक दे रहे हैं। कितना अलग होगा, कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा रेज होते जा रही हैं। जी जी। यू नो इसका जवाब बेसिकली कल हमने ट्रेलर निकाला। हाँ। उसमें इतने सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स में से ही सारे जवाब मिल जाते हैं। किसी ने लिखा था 3 times better, 3 times fun, 3 times bigger। ये हम खुद भी बोल सकते हैं, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सो पीपल आर देमसेल्व्स वॉचिंग द ट्रेलर और वो ट्रेलर देख के ये बातें बोल रहे हैं। सो उससे बड़ा कोई मेरे ख्याल से नहीं हो सकता जवाब। अच्छा, ट्रेलर की आपने बात की ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, 24 घंटे में 2.2 crore समथिंग व्यूज, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग 30 million। दैट शोज कि कहीं ना कहीं ऑडियंस भी वेट कर रही थी इस फिल्म का। इस तरह की जब चीजें होती, कितना मोटिवेशन मिलता है एज एन एक्टर? बहुत ज्यादा भाई, आई थिंक सर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज ये चीज़ 4 साल से हम प्लान कर रहे हैं। हाँ। 4 साल से राइटिंग में है, फिर उसके बाद हमने शूट करा, सब कुछ करा, और वो 4 साल की मेहनत जो ढाई घंटे में तैयार होके आएगी, दो घंटे ढाई घंटे जितनी भी उसकी लेंथ हो, और उस चीज़ का जो ओवरऑल लुक है और ओवरऑल क्रक्स है कहानी का, फन का, उसके जो एलिमेंट्स है, वो ढाई मिनट के ट्रेलर में प्रस्तुत होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है एक फिल्म के लिए, एज एक्टर्स, एज मेकर्स, एज डायरेक्टर्स, एज प्रोड्यूसर, एज ऑल द टेक्नीशियंस, कि उसका ट्रेलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, क्योंकि वो ही ऑडियंस डिसाइड करेगी कि हमें फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो आई थिंक वो जब रिलीज़ हुआ और उसके हिसाब से इतने अच्छे कॉमेंट्स आए, तो बहुत खुशी मिलती है कि आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो विद अग्रेसिव अवार्ड एक्सेप्ट हो रही है और लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। तो हम एज अ टीम वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, वेरी, वी फील वेरी ब्लेस्ड, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस फॉर लाइकिंग इट सो मच एंड फॉर कीपिंग इट अलाइव फॉर सो मेनी इयर्स एंड स्टिल यू नो बीइंग एज एक्साइटेड एज दे वर फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड। करेक्ट। यू नो फिल्म का जब ट्रेलर आया खास करके, तो एक चीज़ है ना बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, जो ऑडियंस की तरफ से भी मैं लेना चाहूँगा, कि अली मिसिंग है, अली को क्यों हटा दिया। बट कहीं ना कहीं वी ट्रस्ट द प्रोसेस, मेकर्स ने जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही सोचा है। रिचा, इस चीज़ के बारे में मैं चाहता हूँ अगर आप कुछ बोलें। जफर भाई की नीतू मैम के साथ शादी हुई थी ना पार्ट टू में, कहानी तो बस 6 महीने 1 साल आगे बढ़ी, वो लोग बिजी हैं थोड़ा जी, और वर्ल्ड टूर पे। असल लाइफ में भी अली की डेट का कोई, हमारी फिल्म एक्चुअली कोविड के कारण थोड़ा आगे पीछे हुई थी, तो उनका ये रह गया और वो बहुत उनकी तमन्ना थी कि होना चाहिए उनको इसमें। डोंट बी सरप्राइज किसी प्रमोशनल इवेंट में फोमो के कारण वो भी आ जाए, तो वो है, हम उनको मिस कर रहे हैं। बट आपने, आपके सवाल में जवाब है कि फिल्म मेकर्स ने कुछ तो सोचा हो। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल कुछ ना कह। एंड ट्रस्ट मी, जितने लोग एक्साइटेड हैं और इस फिल्म के लिए, उतने हम लोग भी हैं और अली भी है। वो बहुत ज़्यादा, उसको हमेशा फोम होता था, हम जब भी शूट पे थे वो शूट पे आया हमसे मिलने, मुझसे मिलने आता था भाई। वो आपको तो बोले गए ना, यही बात, घर भी तो जाना है, घर भी तो जाना है। करेक्ट। या मंजू, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, बट पूछना तो बनता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे। यू नो पहली फिल्म जब आपने की हुई लकी लकी हुए, लड़की तब नहीं मिलती है, फुकरे की बात करें नहीं मिलती है। अच्छा, अभी आपकी कोई एक्टर से बता रहे कि फ़ोन पे बहुत बिजी है, बिजी कहाँ रहते हैं फिर? बिजी कहाँ रहते हैं भाई, अगर फिल्म में नहीं मिली तो वैसे तो लाइफ पड़ेगी ना, लाइफ में तो चाहिए ना। फिल्म में जितनी कमी है लाइफ में उतना ही भरपूर है मामला, संसार भी तो चलाना है ना। अपने हिस्से का तो मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान दे रहा था पॉपुलेशन बढ़ने का, मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल, भैया वो तो है ही, मैंने सोचा हुआ है, ओनली अडॉप्शन। ओके नाइस, गुड बॉय, वरुण तेरी गोद ले लूं मैं? प्लीज ले लो यार। नहीं, अच्छा ओके, मैं कमाई भी लेके आऊंगा घर में।
वरुण फिल्म की बात करूँ ना तो राइटर्स है ना, इनकी खासियत है ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव एलिमेंट लाते हैं ना जिसके से फिल्म देखने का एक जो एक्साइटमेंट है ना फैंस का बढ़ता है। स्क्रिप्ट जब आपको सुनाई गई, नई शक्तियाँ मिली आपको इस बार फिल्म में, वो जब बताया गया था आपको कि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं बहुत खुश था। आई थिंक वो कलेक्टिव एक प्रोसेस होता है, मृग सर, विपुल सर, जिस तरह से वो लिखते हैं, जिस तरह से वो एक स्टाइल उनका है, अतरंगी चीज़ें ही होंगी। मतलब एज कैरेक्टर्स, चूचा की अगर बात करें, वो सपना जब पहले देखता था फिर उसे देजा चोता था, तो इस बारी किस तरह से स्टोरी के अंदर ही रहते रहते, उस वर्ल्ड के अंदर ही रहते रहते, ट्रू उस कैरेक्टर्स के साथ ही रहते रहते, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो जो चूचे के साथ हो सकती है, ऐसा क्या गॉड का गिफ्ट है जो चूचे के साथ हो सकता है। तो काफ़ी बातें होती थी, काफ़ी चीज़ें होती थी, लेकिन जब जो एक्चुअली में है, जब वो पहली बारी हम सबको बताया गया, मुझे भी बताया गया, वी वर इन स्प्लिट्स, हम पागलों की तरह हंस रहे थे। एंड क्योंकि वो बहुत अतरंगी है सर, बहुत अतरंगी है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये होगा और वो होगा, और उसकी लॉजिकल रीजनिंग है कि क्यों वैसे होता है, क्या होता है। सो इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसका एक ग्लिम्प्स है, जब वो कहते हैं कि पंडित जी कहते हैं कि आपके घर गॉड का नया गिफ्ट पैदा हुआ है, और फिर लाली बोलता है, तो बहुत अतरंगी है, बट बहुत ही मैड है, बहुत ही वैकी है, बहुत ही क्रेजी है, बट एट द सेम टाइम बहुत एंटरटेनिंग है वो जो गिफ्ट है, और उस गिफ्ट के बदौलत जो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें होती है और जो उथल पुथल होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, सो दैट्स वॉट इज कमिंग योर वे ऑन 20th September। करेक्ट। मैंने देखा ना कि ऑफ स्क्रीन भी आप लोगों का बॉन्ड, मुझे लगता है कि आप लोग को एक्टर्स नहीं, कॉलेज फ्रेंड्स हो, इतनी मस्ती करते हुए। साथ में पंकज सर भी इस बार फिल्म में, जो एक नए एलिमेंट है कहीं ना कहीं पे, उनके भी तो हमेशा ही थे। हमेशा से थे वो, तो हमेशा से थे। फर्स्ट में भी देखा जाए तो वो हमेशा साथ थे, सेकंड में भी। अरे पहले तो आपने कॉलेज के फ्रेंड्स बोले, हम कॉलेज वाले लगते भी नहीं है कैसे, हम गली के लौंडे हैं सबके सब, गली के फ्रेंड्स हम लोग, बिल्कुल। एंड लौंडिया पंकज सर की ना एक आदत है, वो ना बहुत ऐसे सधे हुए रहते हैं, बहुत शांत ऐसे रहेंगे, पर्दे पर जब आएंगे तो धमाल मचा देते हैं। काम वो भी अंदर से फुकरे ही हैं, वो अंदर से बहुत मस्करी करते हैं। पर्दे जब शूटिंग की जा रही थी फिल्म की, तो किस तरह का आप लोगों का बॉन्ड था उनके साथ में, अगर मैं पूछूं तो? सेम ही था सर, 2012 से हम साथ में, तो एक दूसरे की जर्नीज देखी है, एक दूसरे की मैडनेस देखी है, एक दूसरे को अंदर बाहर से हम जानते हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आई थिंक मतलब मैं आप एक अगर आप एक परिवार हैं और आप सारे तैयार होके एक अवार्ड शो पे जाते हैं, अवार्ड शो पे आप मिलते हैं, बातें बूते करते हैं, उसके बाद सीधा वापस घर के अंदर घुस के जूते उतार के, मेकअप उतार के, हाथ मुंह धो के अपने नाइट वेयर में या फिर पजामा पहन के रिलैक्स होके फिर जो बातें होती हैं, हाँ। जो असली सेल्फ होती है वो हम लोग हैं। हम लोग मतलब वी ग्रोन टुगेदर, एवरी वन लाइक, मतलब 22 साल का था जब मैं मिला था सबसे, ये तो बेचारा 12 का होगा। नहीं नहीं मैं 16 16 का, when we met I was 22, we all were like नहीं सॉरी 16 16 भूल गया तो हीरोइन है क्या जो एज छुपाती है? नहीं नहीं क्या कैलकुलेटर, हां 20 2 साल 20, तो हम लोग लिटरली वहां से हैं, तो अलग रिश्ते हैं, बहुत स्ट्रांग है और एकदम सोल वाली चीजें। करेक्ट। फिल्म में यू नो आप सब मिलके इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भोली पंजाबन के खिलाफ, है ना, कहीं ना कहीं अगेंस्ट में खड़े। हाँ, बोली और दो आंख वाला राजा। एक एक मैंने देखा है कि किस तरह से स्ट्रगल, ट्रेलर में एक फील आता है कहीं ना कहीं कि स्ट्रगल करके अब हम भी मतलब है, हम भी कुछ करेंगे। रियल लाइफ में मैं आप लोगों से अगर पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपने लगा कि ये चैलेंज ये तो मैं करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज में स्कूल में? हम आउटसाइडर हैं भाई, यहाँ तक पहुंचे, चैलेंज तो उठाया हमने, अपने अपने सपनों को चेज करना, आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट एड्रेनलिन रश दैट अ पर्सन कैन गेट एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट अ पर्सन कैन टेक ऑन। करेक्ट। अपने सपनों के पीछे भागना, मेरे ख्याल से एक इंसान के लिए हिंदी में बोलना, बिल्कुल अपने सपने, प्लीज हेल्प, अपने सपनों के पीछे भागना और उनको पूरा करने की कोशिश करना, मेरे ख्याल से एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। चुनौती होती है, जरूरी भी होता है, और जरूरी भी होता है, और जो उस चुनौती को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो आई थिंक यहाँ तक पहुँचते हैं। एंड बट चुनौती और नो चुनौती, हम लोगों ने अपना स्ट्रगल बहुत इंजॉय किया है। करेक्ट। हम लोगों ने जर्नी को भी इंजॉय किया है कि यहाँ तक पहुँचे हर चीज के लिए। मैं चूचे को देखती हूँ या मंजोत को देखती हूँ, everyone is so grateful, सब इतना कृतज्ञ महसूस करते हैं इस बात के लिए कि हम इस मकाम तक पहुंच गए खुद, तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है देखने के लिए।
यू नो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक सवाल था मेरा ऋचा आपसे कि ना हमने कभी धीरे धीरे बदलाव देखा है. पहले ऐसे होता था कि मेल एक्टर्स ही लीड करेंगे और वही यू नो कहीं ना कहीं पे उनके हाथ में पूरी कमान होगी, पर अब बदलाव आ रहा है धीरे धीरे. नहीं ऐसा सच नहीं है. आप देखिए बंदिनी देखिए, मदर इंडिया देखिए, ये पुरानी फिल्में जो हैं वो कितनी ऑथर बैक्ड होती थी औरतों के लिए. किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं था कि वो बस साहिब बीबी गुलाम देखिए. कितनी सारी फिल्में थी जो कहीं ना कहीं, आई थिंक लेट 80s में ऐसा एक दौर आया था जब वो बस तली हुई मछली टाइप के आइटम सॉन्ग्स आ गए थे. बट बाकी टाइम तो मुझे लगता है हिंदी सिनेमा काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है, औरतों को उसने बराबर का दर्जा दिया है. और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. कुछ जैसे शाहरुख खान की जब पिक्चर आती है, 10 साल पहले, शायद 10 साल हो गए चेन्नई एक्सप्रेस को उन्होंने पहले दीपिका को क्रेडिट देना, या ये सब मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें. एक्सेल का वर्क कल्चर अच्छा है यहाँ पे भी बहुत. यश चोपड़ा जी भी बिल्कुल, लाइक पीपल वुड एक्चुअली डाई टू बी हिज हीरोइंस बिकॉज़ his stories would revolve around that. Correct. Exactly. आप लम्हे देख लो, चांदनी देख लो. चांदनी, what are those stories here? Amazing. और कितना ज़्यादा मतलब इसने ये दौर देखा है जहाँ श्रीदेवी was charging much more than male actors, उनके नाम पे फिल्में चल जाती थी या सिर्फ हेलन जी के गाने के बदौलत फिल्म चल जाती थी. तो मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह का दौर आया है. यस हम पितृसत्तात्मक एक जेनरेशन है और एक देश में रहते हैं जहाँ आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हम सबको उनके साथ जूझना है. Correct. पर एक साथ. करेक्ट. ये फिल्म कॉमेडी की बात करके ना कई बहुत हंसाती है लोगों को, है ना. हाँ. कहते हैं लोगों को हंसाना आसान नहीं, सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना. पुलकित इस फिल्म में कितना हम यू नो प्रॉमिस करती है ये फिल्म लोगों को हंसाएगी, कितना? 100 out of 100 यार. देखो ना ज़्यादा बस कर यार, 100 इज द लिमिट. अगर ट्रेलर में लोग इतना हंस रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर ट्रेलर देख के लोग इतना हंस रहे हैं और उनको इतना एंटरटेनमेंट मिल रहा है, इतना खुश हो रहे हैं, ट्रेलर इज ओनली 10% ऑफ व्हाट द फिल्म हैज. करेक्ट. लिटरली ट्रू. लाइक हम खुद भी बैठ के सोचते हैं कि अरे ये नहीं डाला ट्रेलर में, ये नहीं डाला ट्रेलर में, ये नहीं डाला, ये नहीं, अरे वो सीन भी तो है, ओ माई गॉड. हम खुद सोच सोच के हंसते रहते हैं. सो वी आर डेफिनेटली बस वेरी थैंकफुल कि ये रिएक्शन हमें आ रहा है. एंड वी आर जस्ट प्रेइंग दैट पीपल लव द फिल्म ऑल्सो मच मोर देन दैट दे आर लविंग द ट्रेलर. एंड वी जस्ट जस्टिफाई कमिंग विद द थर्ड पार्ट विच वी फील की फिंगर्स अक्रॉस वी फील की हमने किया. फिल्म के ट्रेलर का रिस्पॉन्स देखने के बाद में जिस तरह का यू नो लोगों का प्रतिक्रिया जिस तरह के लोगों की आई है, तो ये हमें पॉजिटिव वाइब तो कहीं ना कहीं देती है. लेकिन जब फिल्म पर काम शुरू किया एज एन एक्टर्स, कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस थी, क्योंकि ना फुकरे पन जब आई लोग ने बहुत इन्जॉय किया. तो जब पार्ट टू आ रहे थे ना रिटर्न्स, तो लोगों को लगा नहीं यार अब थोड़ा और चाहिए. वो हमेशा ना एक भूख लोगों की बढ़ती जाती है और उसको मीट करना आसान नहीं होता. वही हमारी भूख भी है. मतलब हम जब भी कोई ये सवाल पूछता है हम यही आंसर देते हैं कि हम फुकरे के सबसे बड़े फैंस हैं. तो हमारी भूख भी उनकी जितनी ही बड़ी भूख है. तो जब तक हमें हमारी भूख के हिसाब से इसमें कंटेंट नहीं मिलेगा ना, हम इसको बनाएंगे नहीं. और सिर्फ हम ही नहीं, इसमें मृगदीप सिंह लांबा जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बिल्कुल इनिशिएट नहीं करेंगे इस एक्टिविटी को. जो हमारे राइटर हैं विपुल, वो भी नहीं बनने देंगे. फरहान, दे विल ऑल्सो नॉट से येस जब तक कि उनको नहीं, ये भूख उनकी भी नहीं मिटेगी. करेक्ट. सो हम लोग खुद ही अपनी फिल्म को लेके इतने भूखे हैं कि हमें पिछली बार से बेटर लेके आना है और मज़ा लेके आना है. करेक्ट. अभी टाइम लेके आराम से शिद्दत से कि नहीं हर चीज़ सेंस होना चाहिए, लोग एक्सेप्ट करें तभी. राइट. वरुण, यू नो 2023 का जो सेकंड हाफ है बहुत पॉजिटिव नोट पर खुला है. आपने भी देखा होगा कि जब कोविड का सिचुएशन था, बहुत सारे सिनेमा हॉल से लोग, कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तो बंद हो गए लिटरली मतलब. लेकिन अब यू नो ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वक्त यू नो पॉजिटिव नोट पर खुल रहा है. गदर 2 आई, कल जवान है, आने वाले फुकरे का लोग इंतजार कर रहे हैं. तो इस चेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए प्रेजेंट मोमेंट, जहाँ पे फुटफॉल्स इंक्रीज हो रहे हैं अब सिनेमा हॉल्स में? आई थिंक बहुत बहुत अच्छी बात है सर. आई थिंक मैं हमेशा से, मेरा मानना भी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिनेमा हमारा दिल है, हमारी रगों में. एज हिंदी फिल्म, एज इंटायर कंट्री, आई थिंक सिनेमा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, आई थिंक वो हमारी रगों में है. हमको खुशी मिलती है. एंड कलेक्टिव व्यूइंग का जो एक्सपीरियंस है वो मतलब सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है. कि अगर आप हंस रहे हैं तो आप 200 लोगों के साथ बैठ के उस चीज़ का मजा ले रहे हैं. अगर आप डर रहे हैं तो आप इतने उसमें, अगर आप एक्शन एंजॉय कर रहे हैं तो अलग अलग जॉनर्स सारी चीज़ों में. तो आई थिंक वो कलेक्टिव व्यूइंग का जो एक्सपीरियंस है, जो वो है, वो
बहुत खूबसूरत है एंड विद ग्रेट फिल्म्स कमिंग इन यू नो विद एब्सोल्युटली अमेजिंग फिल्म्स कमिंग इन पीपल आर कमिंग आउट एंड वाचिंग इट इन सिनेमाज दे आर गोइंग टू द थिएटर्स एंड वाचिंग द फिल्म सो इट्स अ वेरी गुड थिंग आई मीन आई थिंक अच्छी फिल्में आती रहेंगी लोग आते रहेंगे सर एंड बिकॉज वो कलेक्टिव व्यूइंग की जो वो चीज़ है वो हम सबको बहुत पसंद है और वो हमेशा चलती रहेगी एक मुश्किल दौर था वो सबके लिए ही बहुत मुश्किल दौर था बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब ठीक हो गया है एंड एक्चुअली विद द ग्रेस ऑफ गॉड की खुशी वापस आ गई है तो यू नो अच्छी फिल्में हैं लोग जाके देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सो इट्स जस्ट अ वेरी गुड साइन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड करेक्ट बिल्कुल रिचा यू नो आपकी एक पर्सनालिटी है ना जो बहुत बिंदास है बहुत बेधड़क है चाहे वो पर्दे पर हो चाहे वो रियल लाइफ में हो है ना फिल्म में आप चुनाव लड़ रही हैं रियल लाइफ में कभी मन हुआ कि राजनीति की तरफ सोचा जाए कुछ कभी नहीं पता नहीं क्यों एक मिसकंसेप्शन है मैं भागती हूँ मैं तो पहले तो मैं अनार्किस्ट थी अब तो मैं बस डिटैच्ड हूँ फिर भी पर मैं तो पहले अनार्किस्ट थी मैं तो मेरा तो स्टेट पे जो विचार था काफ़ी एकेडमिक था और चूचा सोचा व्हाट इज अनार्किस्ट बट नहीं मैं बिल्कुल यू कैन यूज दिस एज वीडियो टेस्टिमनी आई हैव जीरो इंटरेस्ट कभी मैं नहीं दिखूंगी आपको पॉलिटिक्स में मुझे तो घबराहट होती है मुझे लगता है मैं इतने गेम ही नहीं खेल पाऊंगी और मेरे दूसरे सपने हैं मुझे मतलब खेती करनी है मशरूम्स उगाने हैं कुत्ता बिल्ली पालने हैं इनके पास इतना अच्छा मीडियम है टू टेल व्हाट शी थिंक्स अबाउट द थॉट्स एंड व्हाट शी वांट्स टू गिव टू द सोसाइटी सो आई फील दैट्स गुड सब अपने अपने तरीके में छोटी छोटी एक यू नो चाहे वो सोसाइटी के लिए हो सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं Correct. अपने काम के थ्रू करता है कोई कोई किसी यू नो मुकाम के थ्रू करता है सो दैट्स इट आई डोंट वांट दैट मच पावर बिल्कुल विद पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स आल्सो मुझे चाहिए नहीं आई एम अ शिव भक्त थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड उम्मीद करते हैं जितनी मेहनत आपने की इस फिल्म के लिए उतनी सफलता आप लोगों को मिले थैंक यू